मैं ज्योति अरोड़ा एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और फैंशु मास्टर सेल्फ डिफेंस के लिए मैं गर्ल्स को एक करना चाहती हूँ मेरी खुद की दो डॉटर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि वो खुद इतनी सशस्त हो कि कोई उनको छू भी ना पाए कि उनको कोई टच भी ना कर पाए वो खुद अपनी रक्षा कर पाए घर में कभी किसी से आप मिरर के सामने देखिए कि मैं कैसी लग रही हूँ जो भी पहनती है उसमें अच्छी लगती है आई बिलीव दैट देट देखिये खूबसूरती का सभी का अपना अलग पैमाना है कोई समझता है कि अगर गोरी है तो खूबसूरत है कोई कहता है कि अरे वो लंबा है तो खूबसूरत है लेकिन देश में ऐसे ही कुछ पेजेंट हो रहे हैं जिसमें खूबसूरती का असली मतलब पता चल रहा है कि अगर आप खूबसूरत है तो अंदर आज बहुत ही होकर खूबसूरत फील कर रही हूँ तो सबसे पहले शुरू करते हैं ज्योति जी से ज्योति जी आप अपने इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए मैं ज्योति अरोड़ा एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और फैंकू मास्टर साथ ही मेरा एक बैकग्राउंड रहा है इंजीनियरिंग का और मैं काफ़ी समय तक कॉर्पोरेट्स में काम कर चुकी हूँ और कॉरपोरेट्स uh, में काम करने के बाद मैंने एक स्पिरिचुअल पाथ लिया था और उसी के चलते चलते मैंने मिसिज इंडिया में पार्टिसिपेट करने के बारे में यूँ ही सोचा और मुझे लगा कि इसमें पार्टिसिपेट करके आ, शायद मैं काफ़ी उन महिलाओं को इंस्पायर कर सकती हूँ जो घर गृहस्थी में जूझती रहती है और उनको ये लगता है कि शायद वो अपने अंदर की वीमेन को सेलिब्रेट नहीं कर सकती तो मुझे एक लगा कि इससे शायद मैं कुछ एक मैसेज उन लेडीज़ के लिए पहुँचाना चाहती हूँ और पहुँचा सकूँगी ईजीली जो अपने लिए कुछ नहीं करती पर्सनली अपने आप को एज अ वमेन यू नो फील नहीं कर पाती तो बाई पार्टिसिपेटिंग इन मिसिज इंडिया मुझे भी ऐसा लगा कि मैं शायद फिर से एक लड़की बन गई तो दैट दैट फीलिंग इन मी यू नो क्रिएटेड मी लाइक एटवटेज यू फील लाइक अ गर्ल इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड विद दिस फीलिंग आई रियली वॉन्ट टू टेक ऑल माई All my dreams and all my uh, you know all my mission towards society जो मैंने पहले से बना रखे हैं टू टू यू नो ट्रेन यंग गर्ल्स फॉर फॉर देयर यू नो सेल्फ डिफेंस जो मेरा बहुत बड़ा मोटो है जिसपे मैं काम भी कर रही हूँ और सेल्फ डिफेंस के लिए मैं गर्ल्स को एक करना चाहती हूँ मेरी खुद की दो डॉटर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि वो खुद इतनी सशस्त्र हो कि कोई उनको छू भी ना पाए कि उनको कोई टच भी ना कर पाए वो खुद अपनी रक्षा कर पाए तो ये मेरा मोटो है और मुझे लगता है कि इस स्टेज पर आके ये बहुत ईजी होगा मेरे लिए इस मैसेज को स्प्रेड कर पाना क्या बात और साथ ही ये बता दीजिए कि ये जो क्राउन है कितना भारी लग रहा है आ, ये क्राउन जैसे काफ़ी भारी है और मुझे लगता है इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत भारी बिकॉज वी आर टोल्ड दैट बींग मिसज इंडिया डजन मीन दैट यू आर ए मॉडल इट मीन्स दैट यू आर ए रोल मॉडल तो अब हमें और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा जैसे लोगों के लिए इंस्परेशन बन के चलना होगा और अपने हर कदम को उठाने से पहले ये देखना होगा कि हम किसी के लिए प्रेरणा बने थैंक यू ओके और मेरी इस साइड एक और खूबसूरत महिलाएं आई उनसे भी बात कर लेते हैं करने का आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले hey, बताइए कि किस कैटेगरी में आप विनर हुई हैं जी आई एम विनर ऑफ मिसेस इंडिया 2022-23 ट्वेंटी थ्री वो कोई कैटेगरी स्लॉट भी था एज ग्रुप का Uh, it was uh, Mrs. India and Classic Mrs. India. Hmm. So uh, Jyoti Ji has been selected in Classic Mrs. India and hmm. I'm Mrs. India. It hmm. is less than 40 years category. Hmm. Excitement. Super hai. excited. <laughs> super. Um, uh, से आई हैव वर्ड्स टू से बिकॉज एक महीना से ऊपर ही आई थिंक मैम मुझे हो गया है फॉर आफ्टर विनिंग द क्राउन एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हैप्पी हूँ बहुत सारे एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड हूँ एंड मैं लोगों के बीच पहुँच पा रही हूँ एंड मैं जो चाहती थी वो मैं अचीव कर पा रही हूँ डेफिनेटली uh, मेरी मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैं पेशेंट से कनेक्टेड हूँ बहुत सारी वुमेन्न से ऑलरेडी कनेक्टेड थी बट hmm. इससे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला एंड उन वुमेन्स को भी uh, थोड़ा सा देख करके लगता है कि अच्छा इनकी दो बच्चे है और उसके बावजूद चिकन विं तो मैं भी बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं मुझे भी बताओ <laughs> घर में कभी किसी से आप मिरर के सामने देखे कि मैं कैसी लग रही हूँ क्या करें बच्चे या आपके हस्बैंड कभी एडवाइस करते हैं Uh, नहीं कभी हस्बैंड ने तो मतलब uh, मैं अगर बोलती भी हूँ कि uh, मैं मोटी लग रही हूँ या फिर uh, ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है तो आई डोंट नो दिल से है कि नहीं बट ही <laughs> कि यस uh, तू जो भी पहनती है उसमें अच्छी लगती है सो बच्चे यस आई हैव अ डॉटर वेरी स्वीट डॉटर नाइन ईयर्स ओल्ड इज इन फोर वो बहुत मिच्योर हो गई है एंड uh, वो मुझे

विनिंग पोजीशन uh, से आप क्या मैसेज देना चाहती हूँ और दूसरी और तो? मैं इससे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ खत्म नहीं होती शादी के बाद बहुत बार ऐसा होता है मैंने सुने भी हैं ऐसे केसेस कि आपके शादी हो गई बच्चे हो गए उसके बाद कुछ भी नहीं यू uh, uh, मैं ये नहीं कह रही कि वर्क करना ज़रूरी है डेफ़िनेटली घर का काम भी अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है एंड हैथ ऑफ बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पैशन आपके अंदर है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पाए हो सो लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है कि शादी हो गई अब वो पैशन कोई भी पैशन हो सकता है डांस हो सकता है स्विमिंग हो सकता है एनी पैशन येस यू कैन फुलफिल एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड येस यू कैन फुलफिल एज ज्योति सेड Uh, in Mrs. India we say uh woman is not just a model, she's a role model. So yes you can. सो नाओ वी हैव दीपाली मैम जो इस शो को होस्ट कर रही थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और भी ज्यादा होगी ये ये बट यू नो वे दो कंधों में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिकॉज दे आर दिगेट्स ऑफ मिसेस इंडिया तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो मिसिस इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेन यू हैव सच अ स्ट्रॉग वुमन विध यू नो इट्स टू माई स्ट्रेंथ सो एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग थ्री सो आई बिलीव दैट ब्यूटी इज इन we should appreciate

देखिए हाँ। आर्ट से तो मैं मिल गई लेकिन जो आर्टिस्ट है वो आप है स्टाइलिस्ट एंड द कोरियोग्राफर कैसा हाँ। लग रहा है

ब्यूटी का पैमाना मेरे लिए हर इंसान खूबसूरत होता है नो मैटर डिवर्सिटी जैसे मैं हमने बोला कि आप शॉर्ट हो टॉल हो फैट हो यू नो हैव यू गेन वेट इट बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल इट्स इनसाइड हाउ यू आर एंड एवरी स्कार एवरी रिंकल आपको सुंदर बनाता है मोर यू ग्रो द मोर ब्यूटिफुल पर्सन यू बिकम बिकॉज ऑफ टाइम आप क्या contribute कर रहे हो आप क्या दुनिया को दे रहे हो वो ज्यादा सुंदर है बिल्कुल ये so, बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ खूबसूरत लोगों से मुझे मिल गया है और सभी विनर्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेट कहना चाहूंगी कि हमें इस सफर का आपने पार्ट बनाया थैंक यू